नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्वेता और आप हैं एक्सपेरिमेंटल मॉम चैनल में। कभी-कभी कढ़ी बनाओ तो ऐसा फील होता है ना कि ये बनेगा ही नहीं, इतना मुश्किल से ये खोलता है। एक खोली इतना मुश्किल से आता है, उसके बाद तो इसको जितना खोलेगा कढ़ी उतना अच्छा। और मेरा फोन आज फिर से बेईमान हो रहा है, देखो कैसे कैसे दिख रहा है, पूरा एकदम अजीब अजीब सा दिख रहा है। खैर कोई नहीं, कढ़ी बनने के लिए चढ़ा दिया है। आपने देखा ना, हमने मेथी का पत्ता, मेथी लगाया था ताकि ढेर सारा हम लोग को मेथी का पत्ता मिले, क्योंकि क्या है ना, ठंड के सीजन में मेथी तो पता ही है ना, वो क्या मतलब, मेथी आलू के पराठे हो गए, मेथी के पराठे गजब ढाते हैं खाने में। तो जब तक हमारी कढ़ी खोल रही है तो चलो हम लोग देख करके आते हैं मेथी का क्या हाल है, कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आज बहुत काम भी है। आज हम गए थे डी मार्ट, तो वहाँ से तिल उठा के लेकर के आ गए, मूँगफली उठा के लेकर के आ गए हैं और गुड़ भी उठा के लेकर के आ गए हैं। तो मेरा फेवरेट ठंडा वाला वो भी बनाना है, लड्डू भी बनाना है, तिल गुड़ का लड्डू। बट वो अभी नहीं बनाएंगे, वो तो हम नहा के बनाएंगे। अभी हम कुछ भी नहाए वहाए नहीं है, बस मेरी कढ़ी बन जाएगी, उसके बाद कढ़ी खाली करके उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। आज नाश्ता हमने बाहर से मंगा लिया, इडली वड़ा, क्योंकि बाहर का ही खाने का मन कर रहा था। और इडली वड़ा के साथ पता नहीं कौन सा एक अजीबोगरीब पाउडर भी आया है। तो चलो पहले देखते हैं मेथी का क्या हाल है, फिर कढ़ी खाली करेंगे, उसके बाद हम लोग नहाने के बाद मिलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं पौधे का क्या हाल है। अभी मैं जा रही थी वंशु के लिए बीटरूट का पराठा बनाने के लिए, और देखो बीटरूट का क्या हाल हुआ है। आधा बीटरूट फ्रिज में रखा हुआ था, उसमें पूरा का पूरा आइस जम गया है। और ये मेरे मेथी के पत्ते हैं, देखिए थोड़े थोड़े से आ गए हैं। तो नहा धोवा करके हम गुड्डा बच्चा बन के हो गए हैं तैयार। मेथी देखा ना कितना छोटा छोटा मस्त मस्त आ गया है प्लांट, और दो दिन के अंदर, मैंने गलती से सुबह में एक दिन बोल दिया था, लेकिन दो दिन के अंदर कितना गजब का उसमें चेंजेस आया है। भगवान करे मेरी मेथी बहुत बड़े बहुत बड़े। अब ये सब देख के मेरे लैंडलॉर्ड अंकल को क्या लग रहा है कि एक काम करो, मिर्ची लगा दो, धनिया पत्ता लगा दो, ये सब लगा दो, वो बोल रहे थे। मैंने बोला ठीक है, हम ट्राई करेंगे लगाने का। हाथ में ये बांध तो लिया नहा करके, लेकिन फिर याद आया आज तो हमें बनाना है लड्डू, तो ये खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि मौसम जो, ये मौसम चलता है ना, जो यहाँ पे ये पुरवई पता नहीं कौन सी हवा चलती है, तो जो भी टूटा हुआ पार्ट होता है ना उसमें बहुत दर्द होता है, तो ये हाथ भी बहुत ही दर्द करता है, इसलिए ग्लव्स लगा लिया था। लेकिन अब ग्लव्स खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया लड्डू बनाना है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और पता नहीं कैसा बनने वाला है। कोई नहीं, हम और आप मिलकर ट्राई कर लेंगे, लेकिन अब जो भी काम करना है फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता है बनने में भी टाइम लगेगा, अभी अगर और लेट किया ना तो बहुत गड़बड़ हो जानी है, मंचू के आने का टाइम हो जाएगा। तो चलो फिर मिलके बनाते हैं तिल गुड़ और मूंगफली तीनों। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे वाइट तिल, ये तिल है ना 50 ग्राम है, ठीक है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से भूना है, जब तक इस तरह सौंधी सौंधी से खुशबू ना आने लगे तब तक भूना। उस पर मूंगफली को ही भून लिया, मूंगफली जो है नॉर्मल हल्का छिलका निकालने लगे तब तक भूनना, और बादाम को भी हल्का सा भून लेना, ठीक है। फिर हल्का फुल्का सबका छिलका निकाल करके मैंने हल्का सा ग्राइंड कर दिया है, क्योंकि ये तिल अगर दिखेगा ना तो शायद मंशु खाना न चाहे। तो मेरा सारा क्वांटिटी मिला करके 150 ग्राम्स हुआ था यहाँ पे तिल और बादाम मूंगफली मिला करके। तो मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी में गुड़ लिया है, जो ढेला वाला गुड़ आता है ना वो लिया, और हल्का सा घी ऐड करके एकदम धीमे से आँच में मेल्ट किया है इसको, और एकदम ये फटाफट मेल्ट होने लगता है। और जब इसमें भरपूर मात्रा में झाग आने लगे ना, बबलिंग आने लगे, उसी समय पाउडर को ऐड कर देना है इसमें। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि इसको गरम गरम ही बांधना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखता है। मेरा फर्स्ट टाइम था, इतना डेंजरस टाइप का हो रहा था मेरे साथ, मतलब एकदम धड़ लड्डू बनाना पड़ रहा था। और ये जब अच्छे से सूख गया ना, और तब मैंने टेस्ट किया, और इसका टेस्ट बिल्कुल जो मेरी दादी बनाती थी ना लड्डू, एकदम सेम वैसा ही आ रहा था। मतलब एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। ये तो लड्डू बन गया था बहुत अच्छे से, लेकिन लड्डू बनाते हुए ना हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ना मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतना गर्म होता है और इतना जल्दी वो सूखते भी जाता है, बहुत जल्दी ड्राई होते जाता है। तो उसको फटाफट से ले लेकर के दोनों हाथ से गोल 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 करना पड़ता है, और मेरा स्टैंड भी जस्ट उस समय ही टूट गया था, तो इस वजह से हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। बस आपने देखा वो मिक्सचर बनाया, उस पर आपने लड्डू को देख लिया, क्योंकि सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और एक हाथ से वो लड्डू बन ही नहीं रहा था, तो इसलिए दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ रहा था उसको बनाने के लिए। मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, लड्डू बहुत टेस्टी बना था, और ये ठंड के मौसम में ना
तिल गुड़ बहुत फायदा करता है, तो आप भी बना के देखना, खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही ये लड्डू मेरा खत्म होगा ना, उसके बाद मैंने सोच के रखा है रागी का लड्डू ट्राई करने का, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ, यहाँ पे रागी कुछ ज्यादा फेमस भी है और रागी का लड्डू भी बहुत फेमस है, लेकिन मैं बाहर से ना ला करके घर पे ही बनाने का सोच रही हूँ रागी का लड्डू। अब ये तिल का लड्डू खत्म हो जाएगा ना, तब रागी का लड्डू बना के देखेंगे। और मेरे मेथी के पत्ते आपने देखे ना, इतने इतने से उग गए, बहुत प्यारे प्यारे से। मैं उसका अपडेट आपको हर वीडियो में देते रहूंगी, हर व्लॉग में देते रहूंगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ उगा करके देखते हैं कैसा कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलो फिर, हो गया है रात, चेंज वेंज कर लिया है मैंने, ड्रेस तेल वेल भी लगा लिया है फेस में, और अब जा रहे हैं सोने के लिए। मेरी बुआ सो गई है, बाकी हैं हम ही, बाकी सब लोग सो गए, मम्मी भी सो गई है, मंजू भी सो गई है, और अब हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज अपने इस चैनल को प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चाचा, बाय बाय।